जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जिन्होंने स्पॉट एडमिशन में फॉर्म अप्लाई किया था उनके रिजल्ट्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी आ रहे हैं। जामिया ने उसको लेकर गाइडलाइन या नोटिस रिलीज कर दिया है। आप जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज jmicue.in गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे। इस तरीके का आइकन आएगा, देन आपको स्क्रॉल करते हुए जिससे लेटेस्ट में जो भी अपडेट्स आता है आपको इस पर, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट स्पॉट में पार्टिसिपेट किया था उनका अगर रिजल्ट की बात करें तो उसको लेकर नोटिस आ चुका है कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। अब आप इसको सिंपली जो टॉप पे नोटिफिकेशन है मैंने आपको दिखाया काउंसलिंग नोटिस अगेंस्ट वैकेंस, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। बस यही कहा गया है इस पीडीएफ में, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये, इसमें यही कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स स्पॉट में पार्टिसिपेट किए हैं इन सारे कोर्सेज में, इसमें जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं, एक तो वो स्पॉट में पार्टिसिपेट किए तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने कहा था या प्रिंट करने को कहा था वो ले लीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 13 अक्टूबर को जाना है, टाइमिंग मेंशन है इस टाइम, इस 9 AM से 3 PM के बीच में किसी भी टाइम में चले जाइए, 9 AM पे ही चले जाइए। डॉक्यूमेंट्स सारा लेकर जाना होगा, एडमिशन रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है लेकर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। सेम डेज में 4 PM या उसके अगले दिन आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स उस कोर्स में सेलेक्ट हुए और उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। यही प्रोसीजर है स्पॉट में एडमिशन मिलने का जामिया में। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।